दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया टीवी के स्पेशल शो में सीए को वापस लेने की कही बात, कहा सीए और एनआरसी देश के लिए सही नहीं। शाहीन बाग के धरने पर सीएम केजरीवाल ने कहा, मेरे शाहीन बाग जाने से कोई फायदा नहीं, गृहमंत्री अमित शाह जाएं। दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल ने 10 वादों की गारंटी दी, कहा अगले 5 साल में दिल्ली की फिजा बदल कर रख देंगे। शाहीन बाग को लेकर अमित शाह का केजरीवाल पर आरोप, कहा जो लोग दंगे के लिए उकसाते हैं उन्हें जनता इस बार सिखाएगी सबक। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दिल्ली में 1000 स्कूल बनाने का केजरीवाल सरकार का वादा हुआ फेल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार, कहा सीए पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। देश विरोधी नारों पर स्वामी रामदेव का बड़ा बयान, कहा जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाना देश के साथ गद्दारी। योग गुरु रामदेव ने शहर शहर आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का बताया हाथ, कहा देश को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश। सीए और एनआरसी के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले 154 लोग, देश के माहौल को लेकर जताई चिंता। मिजोरम के सीएम ने की पीएम मोदी से मुलाकात, विदेशियों का पता लगाने के मकसद से राज्य में एनआरसी की तर्ज पर बिल लाने की मांग की। प्रकाश जावड़ेकर का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला, कहा जनता तय करे जिन्ना वाली आजादी चाहिए या भारत माता की जय। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद फिर प्रदर्शन, सरकार से सीए और एनआरसी वापस लेने की मांग। शाहीन बाग में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ 41वें दिन प्रदर्शन जारी, नुक्कड़ नाटक के जरिए जताया विरोध। सीए और एनआरसी के समर्थन में राष्ट्रपति से मिला 10 सदस्यीय डेलीगेशन, रिटायर्ड जज, पूर्व नौकरशाहों, पूर्व आर्मी अफसरों और बुद्धिजीवियों ने सौंपा ज्ञापन। जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हिंसा मामले में पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान से क्राइम ब्रांच की पूछताछ, आसिफ ने कहा घटना के वक्त पर मौके पर नहीं थे। लोकल लीडर आशु खान और जामिया स्टूडेंट चंद्र कुमार से भी हुई पूछताछ, दोनों पर भीड़ को भड़काने का आरोप। जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हिंसा में अब तक 102 लोगों की गिरफ्तारी, हिंसा में शामिल फुकरान को 3 दिन की रिमांड पर भेजा। केरल में सीए समर्थकों के पानी बंद करने पर बोली मीनाक्षी लेखी, ये उदार बनने वालों की छोटी सोच। विरोध प्रदर्शन के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी में होगी सीए की पढ़ाई, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की एचओडी शशि शुक्ला का बयान। राजगढ़ की कलेक्टर निवेदिता पर विवादित बयान देने वाली बीजेपी नेता बद्रीलाल यादव गिरफ्तार, 19 जनवरी को नागरिकता कानून को लेकर हुई थी झड़प। वाराणसी के बेनियाबाग मैदान में सीए और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज, दशाश्वमेघ और चौक थाने में केस। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बयान, मुस्लिमों को गुमराह कर रहे सिमी और पीएफआई के लोग। चेन्नई में आज भी सीए एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई में वंचित बहुजन अघाड़ी ने बुलाया महाराष्ट्र बंद, बाइक पर सवार होकर निकले कार्यकर्ता। थाने में बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का सड़कों पर मार्च, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई में बहुजन अघाड़ी के बंद का असर, कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लहराकर सड़कों पर गाड़ियों को रोका। वंचित बहुजन अघाड़ी के बंद को देखते हुए मुंबई समेत बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस की तैनाती बढ़ी। लखनऊ के घंटाघर पर महिलाओं का प्रदर्शन जारी, लखनऊ के ही उजरिया में धरने पर बैठी महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एमयू में भी पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, वीसी और रजिस्ट्रार के इस्तीफे पर अड़े। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज, वायरल वीडियो पर हुई कार्रवाई। प्रदर्शन के दौरान फैजुल हसन ने दिया था विवादित बयान, कहा मुसलमानों का सब्र टूटा तो नहीं रोक पाए। महाराष्ट्र के लातूर में भी शाहीन बाग जैसा आंदोलन, 3 दिनों से गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं लोग। हैदराबाद पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को नहीं दी रैली की इजाजत, 25 जनवरी को चार मीनार पर तिरंगा फहराना चाहते थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चिदंबरम पर हमला, चिल्ली चोर करार दिया। चिदंबरम ने मोदी सरकार को असली टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरने पर बोला था हमला। सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध पर बोले प्रणब मुखर्जी, युवा अपनी आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरे। प्रणब मुखर्जी ने कहा लोकतंत्र की कामयाबी के लिए बहस और असहमति जरूरी, लोगों का संविधान में आस्था जताना उत्साह बढ़ाने वाला। दिल्ली चुनाव में मुख्य मुद्दा बना शाहीनबाग, बीजेपी ने कहा 26 जनवरी से पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को किया आगे। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले सैनिक, एनसीसी कैडेट्स और कलाकारों को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा आप में दिखती ही है मिनी इंडिया की झलक। पीएम मोदी ने कहा हमारी संस्कृति में जननी और जन्मभूमि को माना जाता है सबसे ऊपर। पीएम मोदी ने कहा कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र पीछे न रह जाए, इस मुहिम को आगे बढ़ाने का करना है काम। पीएम मोदी ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित 49 बच्चों से किया डायरेक्ट संवाद, 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे बच्चे। बहादुर बच्चों से मिलकर पीएम ने कहा उनसे दूसरों को भी मिलती है प्रेरणा, बच्चों की कहानी और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का वादा किया। पीएम ने कहा यह अवार्ड आखिरी मुकाम नहीं, जिंदगी की शुरुआत है, मुश्किलों से लड़ने का साहस दिखाने वाले बच्चों को सलाम। 26 जनवरी पर दिल्ली में मल्टी लेयर्स में होगी सुरक्षा, दिल्ली पुलिस एनएसजी की स्वाट टीम और पैरामिलिट्री फोर्स करेगी निगरानी। परेड रूट पर 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, खास जगहों पर 100 फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे भी लगेंगे। गणतंत्र दिवस पर 48 कंपनी पैरामिलिट्री और 17,000 पुलिस के जवान रखेंगे नजर, 500 हाई राइज बिल्डिंग पर तैनात रहेंगे शार्प शूटर्स जवान। 26 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद, लोक कल्याण मार्ग पर पटेल चौक मेट्रो भी सुबह 8:45 से 12 बजे तक बंद। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो दिल्ली पहुंचे, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया स्वागत।
गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करने वाली तानिया शेरगिल ने कहा, आर्मी डे परेड और गणतंत्र दिवस परेड को लीड करना सौभाग्य की बात। 71वें रिपब्लिक डे को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट जगमग तिरंगे की लाइट से सजाया गया एटीसी टावर। गणतंत्र दिवस पर पंजाब के अमृतसर में एक शख्स ने बनाया अनोखा तिरंगा, टूथपिक से 400 मीटर लंबा तिरंगा बनाया। सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने से किया इनकार, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। अप्रैल में सागरमाथा संवाद में हिस्सा लेने के लिए नेपाल में पीएम मोदी को किया आमंत्रित, नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में नेताओं के फोन टैप के दावे पर बोले संजय राउत, कहा गृह मंत्रालय फोन टैपिंग का आदि, हम इसको गंभीरता से नहीं लेते। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का बयान, लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के फोन हुए टैप। फोन टैपिंग के आरोप पर बोले पूर्व सीएम फडणवीस, कहा विपक्ष के नेताओं की फोन टैपिंग महाराष्ट्र की परंपरा नहीं, वर्तमान सरकार जांच कराए। 3 से 4 दिनों के अंदर होगा कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार, सीएम बीएस येदियुरप्पा ने दी जानकारी। कांग्रेस की केरल इकाई में बड़ा फेरबदल, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 12 उपाध्यक्ष और 34 जनरल सेक्रेटरीज के नामों को दी मंजूरी। आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के स्थापना दिवस पर बोले चीफ जस्टिस बोबड़े, कहा अगर कर चोरी अपराध है तो ज्यादा टैक्स लेना भी सामाजिक अन्याय। दिल्ली से नहीं हटेगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। टिकट न मिलने पर आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी इशराक और जगदीप सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा, फिर नामांकन वापस लिया। आप नेता संजय सिंह ने कहा बीजेपी ने ट्रिपल तलाक पर बहाए घड़ियाली आंसू, अब धरने पर बैठी महिलाओं की बात सुनने को तैयार नहीं। निर्भया के 3 दोषियों के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की याचिका, का क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन के लिए तिहाड़ प्रशासन नहीं रिलीज कर रहा डॉक्यूमेंट्स। कनाडा में हिंसा के शिकार छात्र के परिजन ने विदेश मंत्री से लगाई मदद की गुहार, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फौरन सहायता के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कश्मीर के सोपोर का दौरा किया, कहा सोपोर में ई मंडी खोली जाएगी, टूरिस्टों की संख्या बढ़ाने पर भी काम होगा। जम्मू में एलजी जीसी मुर्मू से मिले गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, राजभवन में प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। अवंतीपोरा एनकाउंटर में मारे गए विदेशी आतंकी की हुई पहचान, जैश मोहम्मद से जुड़ा था अबू सैफुल्ला। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ के गुलपुर सेक्टर में की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सदर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी ने देश के वीर सपूतों को किया याद, सोलम सरमनी में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जेएनयू में पुरानी फीस पर ही होगा छात्रों का रजिस्ट्रेशन, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश, अगली सुनवाई 28 फरवरी को। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हॉलीडे ग्रुप के सीसी थम्पी की रिमांड 4 दिन और बढ़ी, ईडी की मांग पर कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। दिल्ली में भारत होटल ग्रुप पर छापे, 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति का पता चला। आयकर विभाग ने चेन्नई और मदुरई में नामी स्कूल कॉलेजों का संचालन करने वाले ग्रुप के ठिकानों पर ली तलाशी, 2 करोड़ का कैश जब्त। गोयर का विमान वापस बेंगलुरु लौटा, थाईलैंड के फुकेट जा रहा था विमान, विमान में खराबी आने से लौटा विमान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन योजना को किया बंद, बीजेपी ने 2008 में शुरू की थी स्कीम। झारखंड की गठबंधन सरकार में फूट, झारखंड विकास मोर्चा ने अलायंस से हाथ खींचा, विधानसभा में जेवाईएम के 3 विधायक। झारखंड के चाईबासा में 7 लोगों की हत्या की जांच एसआईटी को सौंपी गई, सीएम हेमंत सोरेन ने 5 दिन में मांगी रिपोर्ट। पटना में लगा आरजेडी प्रमुख लालू यादव का पोस्टर, अपराध गाथा की किताब हाथ में पकड़े नजर आए लालू यादव। टिड्डों से भरी टोकरी लेकर विधानसभा के अंदर पहुंचे बीजेपी विधायक बिहारी लाल नोखा, कहा फसलें हुई चौपट लेकिन सरकार बेपरवाह। कमलनाथ सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, सुमित्रा महाजन समेत गिरफ्तार 353 लोगों को रिहा किया गया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्री रामल्लू का पूर्व सीएम एच डी कुमार स्वामी से सवाल, अगर पाकिस्तान से प्यार है तो भारत में क्यों रहते हैं। किराना से एसपी विधायक नाहिद हसन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, नाहिद पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। तमिलनाडु का सेलम रेलवे स्टेशन किया गया सौंदर्यीकरण, रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर साझा की तस्वीरें। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर विमेन व्हील्स कैब सेवा शुरू, कैब में सिर्फ महिला यात्रियों के लिए होगी बुकिंग। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु ने संगम में लगाई डुबकी, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। श्रीनगर के गांधरबल में बर्फ के बीच क्रिकेट खेलते नजर आए युवा, चारों ओर बिछी है बर्फ की चादर। हैदराबाद में सड़क किनारे देश का सबसे लंबा वर्टिकल गार्डन बनकर तैयार, 20,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आस्था की डुबकी, मौनी अमावस्या पर अग्नि तीर्थम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने का रास्ता साफ, ब्रिटिश महारानी ने ब्रेग्जिट को दी औपचारिक मंजूरी। नेपाल का एक छात्र कोरोना वायरस की चपेट में आया, जल्दी ही चीन के वुहान से नेपाल आया था सूर्य। कोरोना वायरस की वजह से पेचिंग में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम नहीं होगा, भारतीय एम्बेसी ने दी जानकारी। कोरोना वायरस को देखते हुए चेन्नई एयरपोर्ट पर अलर्ट, चीन से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए बनाए गए स्क्रीनिंग काउंटर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट पर अस्पताल हॉस्पिटल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड्स। चीन ने कोरोना वायरस के कहर के बाद वुहान समेत 5 शहरों का किया सील, लोगों को शहर न छोड़ने का आदेश। पहले टी20 मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत, भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर बरकरार विराट कोहली, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। टी20 का पहला मैच जीतने पर विराट कोहली ने दी बधाई, ट्वीट कर कहा गुड विन बॉयज।
कंगना रनौत की फिल्म पंगा बड़े पर्दे पर कबड्डी प्लेयर की जिंदगी पर आधारित मूवी में जस्सी गिल, ऋचा चड्ढा और नीना गुप्ता का अहम किरदार।